नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हों और जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। साथियों, धन दौलत के लिए सभी लोग दौड़ते, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब। लेकिन अगर भाग्य में धन योग नहीं बनता हो तो लाख दौड़ करेंगे, धन नहीं आएगा। तो मित्रों, लाल किताब में दर्शाया गया है कि जिन व्यक्तियों का धन योग नहीं बनता हो भाग्य में, अगर शुक्र का उपाय किया जाए, शुक्र ग्रह को बलवान किया जाए, उन्हें भी धन आने लगता है और उन्हीं व्यक्तियों को सफलता भरपूर मिलता है। और कहीं भी जाएंगे, प्रेम संबंध बेजोड़ बनता जाता है, धन की आवक बढ़ता जाता है। जिन व्यक्तियों का शुक्र बलवान होते हैं, तभी जीवन के सभी इच्छाएं पूरी होती है और उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मित्रों, आप भी अपने शुक्र को बलवान बनावें और प्रेम, शोहरत, सफलता को भरपूर हासिल करें। तो आज हम इस वीडियो में एक छोटा सा शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए उपाय दे रहा हूं। आप इसे जरूर करें, इसमें खर्च ना के बराबर है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको दो सामग्री लेना होगा। शहद, तो मित्रों आजकल मार्केटों में देखिए ये शहद मिल जाता है, ये बैजनाथ कंपनी का है, ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का आता है। लेकिन अगर आपको कहीं से देसी मिल जाए तो सबसे उत्तम। तो ऐसा ही एक कांच का शीशी ले लीजिएगा और इसमें शहद भर लीजिएगा। और इसके बाद मित्रों आपको दालचीनी लेना होगा। देखिए मित्रों, यह दालचीनी है, आराम से देख लीजिए, यह मसाले का आइटम है मित्रों। यह आराम से दालचीनी पंसारी के दुकान पर मिल जाता है, किराने स्टोर में मिल जाता है। यह दालचीनी एक गरम मसाले का आइटम है। तो मित्रों, इसमें से आपको 6 टुकड़ा लेना है, ऐसा वाला 6 टुकड़ा लेकर। और इस शहद में 6 टुकड़ा को लेकर इस शहद के शीशी में डाल दें और डाल के इसको सुरक्षित बंद कर दें। अब बंद करने के बाद इस शीशी को जहां आप रुपया पैसा रखते हो, चाहे वो अलमारी हो, कैश बक्स हो, या जहां भी रखते हो, इस शीशी को रखने। और इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन ही करना हो और करके आप रख दें जहां धन संपत्ति आप रखते हैं। तो मित्रों, इस प्रयोग से शुक्र बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और मित्रों, कोई भी कार्य में सफलता पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, धनवान बनने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब आप कोई प्रयोग करते हैं तो कुछ दिन के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं पहले से अब अच्छा चल रहा हूं। यही धनवान बनने का संकेत है।
आदमी धीरे धीरे जो है बड़ा होता है। तो ये सब बात को थोड़ा संतोष रखें, धीरज रखें। और मित्रों दूसरा उपाय दालचीनी का ही है, तो आप मित्रों एक टुकड़ा दालचीनी का लेकर शुक्रवार के दिन अपने तकिए के नीचे रखें। अगर आप चाहते हैं तो इस उपाय को प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को शुक्रवार के दिन से ही चालू करना है। अगर नहीं प्रतिदिन कर पाते हैं तो प्रति शुक्रवार को ही करें। और सुबह उठकर इस दालचीनी को उठाकर कहीं रख दें, और जब घर से बाहर जाते हैं तो नहर हो, तालाब हो, नदी हो, जहां साफ सुथरा पानी हो, उसमें इस दालचीनी को लाकर डाल दिया कर, प्रतिदिन डाल दें। इसको दिन भर घर में न रखें, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो इसको पॉकेट में रख लीजिए और लाकर साफ सुथरा जल में। इसको प्रतिदिन बदलना है। अगर शुक्रवार को करते हैं तो प्रति शुक्रवार को नया टुकड़ा लेना हो। फिर मित्रों आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएंगे कि आपके हाथों धन आना चालू हो जाएगा, सफलता आपकी कदम चूमेगी। प्रेम मोहब्बत शोहरत जहां जाएंगे मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तो मित्रों संतोष एक बड़ी चीज है। संतोष ऐसा चीज है कि छोटी रकम वह बड़ा रकम बन जाता है। तो मित्रों यह शुक्र ग्रह को बलवान करने में अति उत्तम उपाय है, सहज भी है, आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। तो छोटे छोटे यह लाल किताब के उपाय आदमी को खुशहाल बना देता, सोए भाग को जगा देता, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।